दोस्तों वर्ष 2024 में केदारनाथ की यात्रा आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। ज्योतिर्लिंग का मतलब भगवान शिव जहां पर ज्योत प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से किस प्रकार की जाए इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। दोस्तों उत्तराखंड के 4 धामों में से केदारनाथ धाम एक है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। महादेव के इस धाम में जाने की इच्छा सभी व्यक्तियों की होती है, लेकिन कभी समय के अभाव के कारण या स्वास्थ्य के अभाव के कारण कुछ लोग केदारनाथ की यात्रा पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम समुद्र तल से 11,755 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है और वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है काफ़ी दुर्गम है। रास्ता दुर्गम है इस कारण से वहां पर रोड ट्रांसपोर्ट नहीं जा पाता है। तो केदारनाथ मंदिर जाने से पहले एक स्थान है गौरीकुंड, और गौरीकुंड से लगभग 17 से 20 किलोमीटर की दूरी है केदारनाथ धाम। इस मार्ग से अगर हम ट्रैकिंग करके केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो हमें 10 से 12 घंटा लग जाता है। आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो इस रास्ते से आप नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों इस यात्रा को पूरा करने के लिए यहाँ एक दूसरा माध्यम है, वो है घोड़े खच्चर व पालकी। अगर आप घोड़े खच्चर से आसानी से यात्रा नहीं पूरी करने पाते हैं तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है पालकी व पिट्ठू, तो आप पालकी से भी यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आप पिट्ठू से यात्रा करते हैं तो पिट्ठू वाले आपको एक कैंटी में बैठा के मंदिर के पास ले जाते हैं, लेकिन इन माध्यमों से आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर पहुंचने में 5 से 6 घंटा लग जाता है और इसमें आपको अधिक खर्चा भी व्यय करना पड़ता है। इस तरह से अगर आप इन माध्यमों से केदारनाथ की यात्रा एक साइड करते हैं तो आपका 2500 रुपये पड़ेगा, अगर आप दोनों साइड की यात्रा करते हैं तो लगभग 5000 रुपये का आपको व्यय करना पड़ेगा। इतना खर्चा भी व्यय करने के बाद भी आपका समय काफ़ी लग जाता है। दोस्तों अगर आपको समय बचाना है और कुछ अधिक पैसा व्यय करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा, जहाँ पर एक व्यक्ति का घोड़े से आने जाने का किराया 5000 रुपये है। वहीं पर ये यात्रा हेलीकॉप्टर से 5500 से 7800 रुपये के बीच में आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों घोड़े खच्चर व पालकी से अगर हेलीकॉप्टर का कंपेरिजन किया जाए तो ज़्यादा आपको धनराशि व्यय नहीं करना होता है और हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का समय लगेगा मात्र 15 मिनट। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा किस प्रकार की जाए और किस प्रकार से टिकट बुक किया जा सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट हुए पूरा वीडियो अंत तक देखिए जिससे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। दोस्तों अगर आप केदारनाथ की यात्रा अपनी हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो पहले आपको एक काम करना होगा, सबसे पहले वो आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। दोस्तों आप कहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा आप करना चाहते हैं तो आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की ऑप्शन वेबसाइट registration.touristcare.uk.gov.in पर आप कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड का नंबर होना ज़रूरी है। इस साइट पर जाकर सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन करके आप 4 धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एक नंबर मिलेगा, अगर आपने कई ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको ग्रुप आईडी मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन गौरीकुंड में प्रवेश करते समय आपको या अन्य 4 धामों में कभी भी आपको चेकिंग कर सकते हैं। अगर 4 धाम की यात्रा आप हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करते समय इस रजिस्ट्रेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, बिना इस रजिस्ट्रेशन किए हुए आप हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे कर सकते हैं।
तो हेलीकॉप्टर बुक कराने के लिए इसकी वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आपके सामने साइट खुलेगी तो आपको सामने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने दिख जाएगी। तो इस साइट पे केवल आपको दिखेगा कि केदारनाथ धाम के लिए केवल इस साइट heliyatra.irctc.co.in पर आप टिकट बुक कर सकते हैं। इस साइट खुलते ही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन या क्रिएट अकाउंट, और आपको एक इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगी कि आपको केदारनाथ की यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आपका इस साइट पर पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आपको ओपन होगा, आपको नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना स्टेट डालना है, साथ ही आपको इसमें पासवर्ड भी इंटर करना है जो शब्दों में और अंकों में जरूर होता है। ये सब भरने के बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर दो सेपरेट आपको ओटीपी आएंगे। जब वो दोनों ओटीपी आप भरने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और पेज खुलने के बाद आपके सामने आएगा जिसमें आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन आईडी लिखना है, यानी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो आपको प्रोसेस शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए registrationandtouristcare.uk.gov.in पर आपको जाना होगा। तो इसमें चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो चार धाम यात्रा के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेट चेक करते रहिए और जैसे ही साइट खुले वैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद हेलीकॉप्टर के टिकट उस साइट पर जाकर आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक करा लीजिए। तो दोस्तों, इस समय यात्रा रजिस्ट्रेशन व हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको जो हेलीकॉप्टर मिलेंगे वो आपको सिरसी मिलेंगे, पाटा मिलेंगे और उपगुतकाशी में मिलेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी हेलीपैड से आप टिकट बुक कर सकते हैं। गुप्तकाशी केदारनाथ मंदिर से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है और यहाँ से हेलीकॉप्टर का जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। शिरसी, पाटा व गुप्तकाशी से जो 2023 में किराया था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वर्ष 2024 में यानी इस वर्ष हेलीकॉप्टर टिकट में 10% की बढ़ोतरी की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देता हूँ हेलीकॉप्टर बुकिंग से महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं जो टिकट बुक करते समय आपको जरूर काम में आने वाली हैं। इसमें पहली जानकारी यह है, यानी एक आपके यूजर आईडी पर दो टिकट मिल सकते हैं, तो एक टिकट में मैक्सिमम 6 लोग आ सकते हैं, यानी एक यूजर आईडी पर आप 12 लोगों का टिकट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ धाम का विजिट का तारीख है वो 10 मई है, तो यानी 10 तारीख से 3 दिन पहले यानी 7 तारीख और यानी 10 तारीख के 2 दिन बाद यानी 12 तारीख तक आप हेलीकॉप्टर का टिकट ले सकते हैं। यदि आपके साथ 2 साल से अधिक उम्र वाला बच्चा है तो उसको आपको पूरा टिकट लेना पड़ेगा। यात्रा करने के समय पर आपको हेलीकॉप्टर का टिकट के साथ साथ आपको उस आईडी को भी लेना है जो आईडी आपने टिकट बुक करते समय प्रयोग किया था। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी टिकट का स्लॉट जिस समय बुक किया है उससे आपको 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। यदि आपका बुकिंग स्लॉट 6 बजे से 9 बजे के बीच में है तो आपको 5 बजे पहुंचना होगा। यदि आपका वज़न 80 किलो से अधिक है तो प्रति किलो हिसाब से 150 रुपये अदा करना होगा, यानी आपका 90 किलो वेट है यानी 10 किलो वेट अधिक है तो 10 × 150 रुपये यानी 1500 रुपये आपको अधिक व्यय करना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको केदारनाथ धाम के लिए यात्रा करने के लिए 3 वेबसाइट के नाम बताने जा रहा हूँ जो आपको यात्रा करने की सुविधा आपको अधिक प्रदान करेंगी। जो पहली है साइट वो यात्रा रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, registrationandtouristcare.uk.gov.in। दूसरी साइट जो है हेलीकॉप्टर बुकिंग के संबंधित है, heliyatra.irctc.co.in। इस साइट में जाकर आप अपना हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकते हैं। तीसरी साइट है gmvnonline.com।
इस साइट का उपयोग करके आप अपना होटल बुक कर सकते हैं। इस वीडियो का पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा बाई हेलीकॉप्टर से जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इस तरह से हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।